नमस्ते सस्त्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए लिंबी चिंचोली वार्ता के एपिसोड में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त 2021 के दिन यानी कल जो लिंबी चिंचोली गांव के झोपड़पट्टी में एक बहुत ही बेहतरीन जन्मोत्सव मनाया गया उसके बारे में। कल के बेहतरीन जन्मोत्सव में गांव के दो युवा कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें पहले हैं बिग बॉस ग्रुप के अध्यक्ष अशरफ भाई शेख और दूसरे हैं गांव के बेहतरीन फोटोग्राफर अप्पू भाऊ सुतार। इस बेहतरीन जन्मोत्सव के दरमियान गाँव के सभी युवा कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, जिनको गाइड करने के लिए गांव के दो मशहूर उभरते हुए और युवा नेते जिनमें विश्वामित्र परिवार के अध्यक्ष श्री विशुभाई जवळगे और उसके साथ साथ ज्योति क्रांति संगठन के अध्यक्ष जुबेर भाऊ मोहम्मद साहेब पाटिल जो हैं वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जो है गांव के सभी तरुण कार्यकर्ताओं को जो है मार्गदर्शन किया किस तरीके से हम गांव का सुधारना कर सकते हैं, किस तरीके से गांव को हम बदल सकते हैं, हमारी युवा ताकत से युवा एनर्जी से हम किस तरीके से गांव में बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने वहां पर गांव के सभी तरुण कार्यकर्ताओं को जो है प्रोत्साहित किया। और उन्होंने इन सभी युवा कार्यकर्ताओं का जो है आभार व्यक्त किया कि जिन्होंने एक आवाज पर इस बेहतरीन युवा सम्मेलन और इस बेहतरीन जन्मोत्सव में अपनी हाजिरी दिखाई। ऐसे ही बहुत से बेहतरीन कार्यक्रम लिंबी चिंचोली गांव में बिग बॉस ग्रुप की तरफ बहुत से बेहतरीन कार्यक्रम जो है गांव में मनाए जाते हैं, जहां पर गांव के सभी गांवकरियों को गांव के सभी युवा कार्यकर्ताओं को जो है मार्गदर्शित किया जाता है, उन्हें जो है गांव के भलाई के लिए अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाते हैं और उन्हें गांव के भले के लिए काम करने का जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। और ऐसे सभी कार्यक्रमों में गांव के सभी लोग जो है सभी गांवकरी जो है खुशी से शामिल होते हैं। शुक्रिया इस पूरी न्यूज रिपोर्ट को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको ये न्यूज रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतरीन न्यूज को देखने के लिए। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले किसी नए न्यूज में। जय हिंद।